नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज उत्तराखंड 24/7। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। छात्रों की पिटाई से भड़का आक्रोश। रुड़की के पुहाना में स्थित रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दो विदेशी छात्रों की पिटाई के बाद छात्र संगठनों के साथ भीम आर्मी भी छात्रों की हिमायत से उतर आई। आपको बता दें कि कल नाइजीरिया के दो छात्रों के साथ लगभग डेढ़ दर्जन गार्डों ने उनके साथ बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई में घायल छात्रों को आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल छात्रों की पिटाई के बाद छात्रों की वीडियो वायरल हो गई, जिसके बाद हर वर्ग के लोगों में भारी आक्रोश पनपने लगा। सभी संगठन के लोग कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो गए। वहीं इस मामले में कॉलेज प्रबंधन कुछ भी बोलने से साफ बचता नजर आ रहा है। RIT कॉलेज में यह पहला मामला नहीं है। अब से पहले भी छात्रों के साथ हुए शोषण के कई मामले सामने आ चुके हैं। आज छात्रों के साथ कुछ और संगठन के युवाओं ने कॉलेज के बाहर कॉलेज मैनेजमेंट का पुतला भी फूंका और प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं घायल छात्रों के साथी ने भी कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध जताया और कहा कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। वहीं भगवानपुर थाना अध्यक्ष संजीव थपलियाल ने बताया कि संबंधित मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत निंदनीय भरी घटना हुई है। इस तरह की ये घटना हुई है, हमने जब वीडियो देखी हमें बहुत दुख हुआ कि एक तो हमारे देश का बच्चा बाहर पढ़ने जाता है और फिर हमारे सौभाग्य है कि विदेश का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है। तो हम सरकार से इसकी अपेक्षा करते हैं और आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि जो भी इसका मैनेजमेंट है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और इसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो। और हम शासन प्रशासन पुलिस से भी यही मांग करते हैं आपके ज़रिए से कि इस पर भी सख्त कार्रवाई करने की पुलिस इस पर अपनी निगरानी में रखे और ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा दे जिन्होंने घटना घटी। ये कहीं ना कहीं भारतीय समुदाय का जो है धूमिल जो काम किया है इन्होंने, ये बहुत बड़ी निंदा भरी घटना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें जो हिंदुस्तान में बाहर का विदेश का बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है और शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता कि मानवाधिकार में जो हमें डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है तो इसमें हम फिर सुप्रीम कोर्ट में एक रीट डाल लेंगे और जो है उसके जरिए से हम इनमें इंसाफ दिलाएंगे छात्रों। देखिए, ये जो RIT पे जो कल घटना हुई इसके संदर्भ में हमें जो ही सूचना मिली तो मौके पे हमारे तत्काल थाने से फोर्स भेजी गई थी। भेजने के बाद जो दो लड़के जो विक्टिम थे जिनको चोट लगी थी उनको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद शाम को हमें तहरीर मिली थी जिस पे हमारे द्वारा उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। प्रबंधन की तरफ से जो वीडियो और अन्य चीज़ें जो इंडिपेंडेंट लोग थे जिनके बयानों के आधार पर प्रबंधन की तरफ से तीन लोगों को और जो वहाँ पर मौके पर मौजूद गार्ड थे जो इस घटना में सम्मिलित थे लगभग पाँच लोगों को, अभी आठ लोगों को हमने अरेस्टिंग की है और लोगों की भी हम तस्दीक कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इस घटना में संलिप्त थे। जो लोग भी इस घटना में संलिप्त पाए जाएंगे या जिन लोगों ने भी इस घटना को बढ़ावा दिया उन सभी के विरुद्ध हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की। अभी उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, डॉक्टर से भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है और हम डॉक्टर के भी संपर्क में हैं और जो भी हमारी तरफ से उनकी तीमारदारी के लिए मदद की आवश्यकता होगी हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी छात्र को भी बुलाया गया है अंदर जिनसे मारपीट कराई गई है, इसके बारे में कुछ? ये सारी चीज़ें चूँकि जो घटना है इसमें वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो में भी हम देख रहे हैं कि क्या जो इनके द्वारा जो पत्राचार किया गया था एजेंसी से और उन किन परिस्थितियों में क्या उल्लेख था उसमें, उनके द्वारा जब मौके पर आकर के जो कार्रवाई की गई वो कार्रवाई किस अनुपात में की गई और उसमें जिसके एंड पे भी कमियां पाई जाएंगी उसके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। अभी इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है और चूंकि एक विद्यालय है इसका एक अपना परिवेश होता है, इसमें सभी छात्र चाहे वो कहीं भी किसी भाषा प्रांत वेशभूषा के हों यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और उनकी डिग्निटी और सारी चीज़ों का सम्मान होना चाहिए। चूंकि इस ये कल की एक घटना मुझे लगता है कि विद्यालय के लिए भी एक लर्निंग लेसन होगा और हम भी इंश्योर करेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। When the COVID-19 started in sometime March, college decided that all students be sent home.
So students, Indians and Africans all applied for leave so that we can leave outside college to other cities of India or back to our countries. So all the Indians that applied for leave were granted. Africans also did the same. They applied for leave and we were refused. Management of RIT said that they were going to take care of us. And by taking care of us, what they meant by that was giving us accommodation and food, as well as all other welfare concerned with African students. So they were doing that until mid-June. They decided that students, African students who have not yet paid their fees will not be given food. So it ended up that only three Africans, they turned out to be all Ghanaians, Benjamin, Harry, and Francis, were the only three out of the nine African boys who were given food, meaning that six out of the nine were not given food, and they were not allowed to leave this gate. Bolling exam has a power. Come again? Bolling exam has a power. Hindi nahi, no Hindi. Yeah, no. So the six, however, had to eat. And so they made several appeals to management to give them outpass per the school rules. But management never ever gave them any outpass for them to go out and buy food. For 2 days and more, these six students sat in college without any food. Police inquiry is satisfaction. Police inquiry is a satisfaction. Police inquiry, yes, so far so good. They have been very, very cooperative, and then we can show that what police will serve their assist to all those who are perpetrating this act. इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिए।